तो बीजेपी के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने अब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, फिर से अब वो घर वापसी कर चुके हैं। फरीदाबाद के कार्यालय पर खड़े हैं हम इस समय। दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कल तक जो है बीजेपी के पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन वो उतार दिए गए हैं रात रात, और अब यहाँ पर कांग्रेस के चस्पा कर दिए जाएंगे। उनके समर्थक हैं जो उनके चाहने वाले हैं, हमारे बीच हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि जब अब उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली है तो क्या चाहते हैं वो, कैसे वो फरीदाबाद में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या फिर जो पार्टी फैसला लेगी वो उसकी ओर आप रुख करेंगे, क्या चाहते हैं आप? अवतार भड़ाना के समर्थक हैं, पार्टी उन्हें फरीदाबाद से लड़ाए अच्छा रहेगा या कहीं और से लड़ाए, क्या फैसला चाहेंगे? पार्टी अवतार भड़ाना को फरीदाबाद से और कहीं से भी, कहीं जो भी है फरीदाबाद से ही लड़ाए वो अच्छा है, और कहीं अच्छा नहीं है। क्योंकि अवतार सिंह भड़ाना का जो फरीदाबाद में घर है, समाज है, और जो उसके अपड़े हैं उसको बेहिताब चाहते हैं, और अवतार भड़ाना यहाँ से बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेगा आशा करते हैं हम। जितने भी अवतार के बगैर फरीदाबाद सोना है और सोना है, लेकिन अवतार को जब कांग्रेस टिकट देगी तो अवतार फरीदाबाद को चमका देगा, और फरीदाबाद एक अलग ही गुड़गांव की तरह दिखेगा। अच्छा, पहले आपने बताया कि जो हाल पहले कांग्रेस के थे, यहाँ पर जो अब बीजेपी से जो हार गए वो अब दोबारा से जाते हैं, तो क्या स्थिति नजर आएगी, क्या चाहते हैं समर्थक कि किस तरह से आने वाले समय में कांग्रेस के साथ यहाँ पर जो है वो जो टिकट मिले उन्हें और जीत हासिल करें, कैसे देखें? वो तो एक मोदी लहर थी जिसमें अवतार भड़ाना को इस कृष्ण पाल ने नहीं, अवतार भड़ाना के आगे नहीं कभी कोई यहाँ है और नहीं कहीं भी रहेगा। अवतार भड़ाना जो है उसका घर है, और उसके चाहने वाले अधिक से अधिक हैं, मोमडन लोग हैं, 2 लाख तो मोमडन, 2-2.5 लाख मोमडन वोट हैं, वो 1-1 वोट अवतार भड़ाना को मिलेगा, और हिंदू भाई उनसे भी ज़्यादा चाहते हैं। जितने भी है सारे समाज के चौधरी हैं, 36 बिरादरी के चौधरी हैं, उनको हर बिरादरी, हर तबका, छोटा, माँ, बहन, सारे परिवार चाहते हैं हमारे, हम चाहते हैं। पर आप क्या चाहेंगे अगर उन्हें पार्टी यहाँ से फरीदाबाद से टिकट देती है तो क्या देख रहे हैं? वो तो पार्टी के ऊपर निर्भर करेगा ना, पार्टी कहाँ से टिकट देगी, तो हमारा जो सांसद है, मंत्री जी, जो वहाँ से भी पार्टी उसको लड़ाएगी तो वहाँ से वो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं फरीदाबाद से उसके लिए टिकट मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत पाए। तो कैसे देखेंगे यदि फरीदाबाद में वोट, कैसे लगता है कि अब जो लोग कह रहे हैं कि यदि 2 गुर्जर चुनाव लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, क्या कैसे देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? देखो जी, वोट तो 2 गुर्जर तो लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें भारी हमको अवतार सिंह भड़ाना जी लगते हैं, क्योंकि अवतार को 36 बिरादरियों की वोट मिलती हैं, अवतार को कोई गुर्जर समाज ही नहीं देता, अवतार को हर समाज वोट देता है। तो जो अवतार सिंह भड़ाना के चाहने वाले हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि पार्टी उनको विधायक यहाँ पर जो लोकसभा सीट फरीदाबाद से देती है तो फरीदाबाद का विकास होगा, लेकिन अब देखना होगा कि पार्टी का फैसला क्या होता है, उनको यूपी से टिकट दी जाती है या फिर फरीदाबाद उनके जो घर है वहाँ से उनको लड़ाया जाता है। कैमरामैन सन्नी के साथ संदीप गोयल, पायनियर हरियाणा।